नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हम टैली में काम तो करते ही हैं, साथ में चेक रजिस्टर वगैरह भी बनाते हैं कि कहीं कुछ हमारा चेक गुम ना जाए, कहीं क्लियर ना हो जाए। तो आज मैं आपके लिए एक चेक रजिस्टर एक्सेल में लेकर आया हूं। आप इसके थ्रू देखिए इसमें क्या क्या है। आपका चेक रिसीव डेट है, पार्टिकुलर कौन सी पार्टी का है और उसका चेक नंबर क्या है, चेक डेट क्या है, कौन सी बैंक का चेक दिया है सामने वाली पार्टी ने, और हम अपने कौन से अकाउंट में जमा कर रहे हैं और उसका डिपॉजिट डेट कौन सा है। अगर कुछ रिमार्क आपको लिखना है तो वो भी आप रिमार्क भी लिख सकते हैं। और इसमें मैंने प्रायोरिटी भी दे दिया है कि आपको उस चेक की कितना प्रायोरिटी पे ले कर चलना है उस हिसाब से। और ये एक बॉक्स है, अगर आप ये क्लियर करके यहाँ पे है, अगर आप क्लियर हो गया है जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो ये देखिए हमारा क्लियर होके सामने आ गया, ठीक है। अब ये आप जैसे दूसरा है, दूसरे पे भी आप क्लिक करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे आपका नाम कट जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया सीट है दोस्तों, आप यूज कर सकते हैं इसको। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे आपको आगे बढ़ाना है, इसमें जैसे इतनी सीट है आगे बढ़ाना है, तो आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। सीधा सीधा पहले आप कॉपी पेस्ट करेंगे, मान लीजिए आपको मैं एक रो भी बढ़ा दिखा दे रहा हूँ, आप एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ 27 कर देता हूँ। अभी देखिए इसको आपको यहाँ पे ये वाला बॉक्स लेके आना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे और इसको आप पकड़ के बॉक्स को यहाँ पे लाके उसको साइन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका फार्मूला आ रहा है, यहाँ फार्मूला बार में आप देखेंगे यहाँ फार्मूला आ रहा है। अभी ये हमारा सीट है 32 नंबर पे, तो हम यहाँ पे इसको 32 चेंज कर लेंगे, ठीक है। और भी आप यहाँ कॉलम बढ़ा सकते हैं साइड में भी। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं अपना और फिर यहाँ पे टिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चेक क्लियर हो गया। मतलब इसी तरीके से, ये तो मैंने रिसीव रजिस्टर के हिसाब से बनाया है, इसी तरीके से आप पेमेंट रजिस्टर का भी बना सकते हैं। उसमें आपका और अच्छा हो जाएगा कि आपको किसको कब पेमेंट करना है, उसकी प्रायोरिटी कितनी है, पेमेंट करते समय भी आप उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।